तृप्ति, आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। सेल किरुबुरु की ओर से आयोजित अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड विद्यालय की टीम ने केंद्रीय विद्यालय किरुबुरु की टीम को 3-1 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। झारखंड विद्यालय की ओर से कुंदन मूर्ति ने 2 गोल और निकोलस मुंडा ने 1 गोल करके टीम को जीत दिला दिया। केंद्रीय विद्यालय की ओर से साहिल सिंह ने एकमात्र गोल किया। कुंदन को बेस्ट स्कोरर और शिवम सुमरुई को बेस्ट गोलकीपर का खिताब दिया गया। सेल किरुबुरु के जीएम डीके बर्मन ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, इससे किसी खिलाड़ी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उन्हें निखारने की आवश्यकता है। पुरस्कार वितरण के मौके पर डीजीएम नवीन सोन खुसरे, एसके आर्या, एके बेहरा और अजय कुमार, रतीन विश्वास, संजय कुमार बनर्जी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फाइनल मैच केबीएस और झारखंड स्कूल के बीच और फिर से एक बार आगे आपके बॉल को इस सूझबूझ। अरे घुमा मुंडे तो घुमा, इधर आउट करे। काफी अच्छा प्लेयर है, इसलिए आप जो खिलाड़ियों में दो टीम खेले हैं झारखंड टीम का और दिल्ली का, उन्होंने काफी अपना अच्छे खेले हैं, जबरदस्त गेम हुआ है। हम सभी आकर्षियों को पुलिस गोल कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं और आज के जो इंडिया टीम जो है झारखंड टीम और टीम इंडिया टीम स्पेशल कॉम्पिटिशन उम्मीद करते हैं कि आने वाले भी और अच्छे प्लेयर में इसी प्लेयर में से और अच्छा प्लेयर आगे बढ़ेंगे। आपके नाम खेल ऐसा चीज है जितना खुद करेगा उतना मन भी अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, अपना हेल्प भी ठीक रहेगा। भाजपा की ओर से नौमुंडी प्रखंड के दीरीबुरु, बड़ा जामदा, काटेसाई और बकल हाटिंग में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जगन्नाथपुर विधानसभा के सह संयोजक आर के प्रधान, सरंडा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन तुबिड, बड़ा जामदा पंचायत प्रभारी विनोद कुमार साव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। किरुबुरु हिल टॉप में बुधवार की रात 14 साल की किशोरी ने अपने शरीर पर किरोसिन डालकर आग लगा लिया। वह इतने गंभीर रूप से झुलस गई कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका ओडिशा उच्च विद्यालय हिल टॉप की कक्षा 9 की छात्रा थी। मृतका डॉली मुंडा के पिता स्वर्गीय राजू मुंडा सेल किरुबुरु में काम करते थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी। माँ लक्ष्मी मुंडा ठेका मजदूर के रूप में काम करके परिवार का भरण पोषण करती है। मृतका की माँ आज दोपहर बाद जब ड्यूटी से घर लौटी तो बेटी को जली अवस्था में देखा। आनंद फानंद में उसे किरुबुरु जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉली की जान नहीं बचाई जा सकी। किशोरी ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अवैध शराब अड्डों पर लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी में 200 किलो महुआ को जब्त कर शराब भट्टी को नष्ट किया गया। जिला प्रशासन को सूचना मिल रही है कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब और पैसे का प्रलोभन दिया जाएगा। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर शराब भट्टी को नष्ट कर रहे हैं। बुधवार को एसडीपीओ ने तातनगर ओपी के बुंजोबासा गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 200 किलो महुआ जावा जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण 22 से 27 मार्च के बीच आयोजित किया गया। इसमें जो पदाधिकारी शामिल नहीं हुए उन्हें चिन्हित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने आज हाटगमरिया प्रखंड के जेरपी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटगमरिया का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी में चल रहे कार्यों को देखने के बाद डीडीसी ने सुधार का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। डीडीसी ने वीडियो को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने का काम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना है। समाहरणालय सभा कक्ष में प्रशिक्षण देने के लिए चयनित 11 संस्थाओं में गुरुवार को 5 संस्थाओं ने उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के समक्ष अपना अपना तकनीकी प्रदर्शन किया। शहरी और ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ओल, तरबूज, खीरा, पपीता, केला, फसल के पैदावार, बतख और मुर्गी पालन, खादी उत्पादन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, महिलाओं को पापड़ बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 11 संस्थाओं का चयन किया गया था। चयनित 11 संस्थाओं में 5 संस्था 9 झारखंड विकास केंद्र, जन कल्याण विकास केंद्र, प्रयास लोक सेवा केंद्र और एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा तकनीकी प्रदर्शन किया। सभी संस्थाओं का प्रदर्शन देखने के बाद डीडीसी ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद ही धरातल पर स्थिति को देखने के बाद प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।